नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मैंने आज तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी 100% राइट होती है ना। मैंने आपको कितने महीने पहले बता दिए थे कि आपकी वैकेंसी आने वाली आईटीबीपी में, एक एक करके सारी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो ट्रेड्समैन की हो, चाहे स्टाफ नर्स की हो, चाहे हिंदी ट्रांसलेटर की हो, चाहे आप सभी की एजुकेशन स्टेट्स काउंसलर की हो, चाहे मिनिस्ट्रियल की हो, सारी वैकेंसी एक एक करके आ चुकी हैं। तो आपकी एक नई वैकेंसी भी आ चुकी है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, जो कि आपकी पायनियर ब्रांच की है। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, सारी आपको बताऊंगा और सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा आप सभी को। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके टेलीग्राम में जाएगा। एक बात मुझे बहुत ही खलती है कि मैं इतनी अच्छी जानकारी देता हूँ, इतनी जेन्युइन जानकारी देता हूँ, रियल देता हूँ, ऑथेंटिक देता हूँ पूरे यूट्यूब पे, मगर फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया तो आप किसका इंतजार करो? इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलने वाला जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करने का मन कर तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट करने का मन कर कमेंट भी कर दिया। अब वैसे आज मेरा बर्थडे है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आईटीबीपी की भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर पायनियर की भर्ती आ रखी है, 102 वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर पाएगा सारी चीज़ें बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी की बात में बता दिया गया है कि इसकी जो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, कारपेंटर की है, प्लम्बर की है, मैसन की है, इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैकेंसी जो है 3 से 9 अगस्त के वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगी, ठीक है। और फॉर्म की जो डेट रहेगी 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसकी डेट रहने, यानी 12 अगस्त से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैकेंसी की बात करें टोटल 102 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन अभी आया है छोटा सा 29 जुलाई को, ठीक है। फीस आप सभी की 100 रुपये फीस लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल रहेगी आप सभी की। अभी पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ के दिखाऊंगा सभी को, ठीक है। यहाँ पर 10 सितंबर तक यहाँ पर जो डेट काउंट करने के लिए बोली गई है, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट ही यहाँ पर क्लोजिंग डेट होती है, ठीक है। कारपेंटर की बात करें 36 वैकेंसी निकल के आई, यहाँ पर 10th पास ITI मांगता है, क्योंकि कारपेंटर है मांगेगा ही। प्लम्बर की बात करें 26 वैकेंसी, इसमें आपका 10th पास ITI मांगा गया। कांस्टेबल की बात करें, मैसन की बात करें, इसमें 32 वैकेंसी निकल के आई, जहाँ पर आपका 10th+ ITI मैसन ट्रेड में। और इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी निकल के आई, यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा आप सभी को, जहाँ पर आपको पूरी वैकेंसी भी दिख जाएगी आप सभी को, ठीक है। जहाँ पर आपको कांस्टेबल प्लम्बर वगैरह की दिख जाएगी, कैटेगरी वाइज पूरी वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखो, इसमें फिजिकल होता है, आपको पता है फिजिकल आपका वैसे ही फिजिकल होता है, जैसे ITPP में होता है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7.5 टाइम 7.5 मिनट टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप होती है आप सभी की 11 फीट की, हाई जंप आप सभी की 3.5 फीट की होती है मेल के लिए। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में आप सभी की 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट 45 सेकंड टाइम मिलता है। 9 फीट की आप सभी की लॉन्ग जंप होती है और 3 फीट की आप सबकी हाई जंप होती है। अभी हाइट वगैरह के बारे में बता देता हूँ, तो फिजिकल होगा आप सभी का, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बारे में टेंशन ना लेना, इस चैनल सबसे ऑथेंटिक है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बारे में चलते हैं, पहले इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी शॉर्ट नोटिस आया है तो शॉर्ट नोटिस देख लेते हैं, उसके बारे में बाद में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी आप इसकी नोटिफिकेशन देख लो, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, डाउनलोड हो जाए एक बार, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो ये इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखा दी गई है। वैकेंसी पूरी यहाँ पर देख सकते हो, कारपेंटर मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें, यहाँ मेल फीमेल की मिलाकर बात करें तो 71 वैकेंसी आपको दिखेगी। प्लम्बर की बात करें तो 52 वैकेंसी आपको दिखेगी। मैसन की बात करें 64 वैकेंसी आप सभी को दिखेगी। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी आप सभी देख लो, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर वैकेंसी है, तो बढ़िया वैकेंसी है। तो बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है। 18 से 23 साल यहाँ पर एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल मांगा गया, 1 साल की ITI आप सभी से मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेगा जो भी है यहाँ पर, आप सभी को 3 साल OBC वगैरह ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एज काउंट आप सभी की कब से होगी मेरे भाई? 10 सितंबर से आप सभी की एज काउंट होगी। अब इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, मगर फिर भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बस खुशखबरी आप सभी की है, वैकेंसी आ रही है। अभी आप और भी वैकेंसी आने वाले हैं, सभी की तैयारी में आप लगे रहो, ठीक है, सभी की तैयारी में लगे रहो और इस बार आपको सिलेक्शन लेकर रहना, ठीक है। तो वैकेंसी यहाँ पर देखा जाए तो 102 वैकेंसी नहीं है, 102 से ज़्यादा वैकेंसी है, शायद जोड़ने में गलती हो गई, एक बार मैं जोड़ के बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 15 वैकेंसी तो ये हो गई आप सभी की, ठीक है, 15 ये हो गई, उसके बाद 64 ये हो गई, तो 5, 4, 9, 6, 7, 79 ये हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे 79 तो वैकेंसी यहाँ हो गई, 79 के बाद देखा जाए तो 79 थी, उसके बाद 52, 79 तो 52 देख लो भाई, 79 हो गई थी ये और 52 हो गई थी, तो 9, 2, 11, 7, 5, 12, 13 यानी 131 वैकेंसी ये हो गई, 131 हो गई थी, 131 के बाद ये आपकी 71, यानी कि 131 और 71 आप सभी के, ठीक है। 1, 1, 2 हो गया, 7, 3, 10 का 0 और यहाँ पर 2,
210 202 वैकेंसी, 202 वैकेंसी निकल गई, 102 गलत लिखा हुआ है, 202 वैकेंसी निकल के आई आप सभी के, ठीक है। तो बढ़िया मौका रहेगा, मगर आईटीआई वाले ही डाल सकेंगे। तो जो भी हैं एक बार हमसे जुड़े रहे, मैं इसका सिलेबस वगैरह, प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह सब कुछ आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।